क्या आपको पता है पृथ्वी को जो डार्क साइड और ब्राइट साइड में लाइन डिवाइड करती है, यानी कि रेखा विभाजित करती है, उसे कहते क्या हैं? और 2000 के नोट पे ये जो बबल्स होते हैं, आखिर उनका मीनिंग क्या है? और इस वीडियो में आप सबसे पहली बार इस पूरी दुनिया को एक सांप की आंख से देखेंगे, यानी कि एक स्नेक विजन से देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आखिर अंतरिक्ष की स्मेल कैसी होती है? इसको और डीप समझने के लिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब आप लोहे के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो उस वेल्डिंग के प्रोसेस में जो भी इस तरीके का स्मोक निकलता है, जो स्मेल उस स्मोक की होती है, ठीक वैसी स्मेल अंतरिक्ष या स्पेस से आती है। और फाइनली आप कह सकते हैं कि आपको स्पेस की स्मेल पता है, या फिर मे बी आपने उसे स्मेल भी किया हो। फैक्ट नंबर 4, आप पहली बार इस दुनिया को एक स्नेक विजन से देखने वाले हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप दिख रहा है उसमें एक ह्यूमन विजन है और दूसरा स्नेक विजन। और जब इस मोमेंट पर ग्रास में कोई रेट यानी कि कोई चूहा आ जाता है तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है ना, एकदम खतरनाक। फैक्ट नंबर 3, मिले इस दुनिया के सबसे अमेजिंग फैशन डिजाइनर से, मार्वेल टोरस। ये स्पेन के रहने वाले दुनिया के पहले ऐसे डिजाइनर है जिन्होंने एक ऐसे स्प्रे को इन्वेंट किया है, ऐसे क्लोथ स्प्रे को इन्वेंट किया जिसे क्लोथिंग स्प्रे कहते हैं, जिसको कि अगर किसी इंसान की बॉडी पे एज अ स्प्रे किया जाए, जैसा कि अभी आपको क्लिप में दिख रहा है, तो कुछ ही पलों में वो स्प्रे सूख कर बिल्कुल एज अ नॉर्मल क्लोथ यूज हो सकता है। यानी कि वो स्प्रे एक बार सूख जाए तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल टी शर्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी बवाल है, बवाल। फैक्ट नंबर 2, ये 2000 की नोट पे आखिर ये बबल होते क्यों हैं? दोस्तों ये बबल 3 पैटर्न में होते हैं। दोस्तों अगर आप नोट के इस तरफ देखेंगे तो आपको नोट पर 8 बबल देखने को मिलेंगे, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 11 यानी 11 बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर आप नोट के पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे 16 बबल्स देखने को मिलेंगे। आखिर इन बबल्स का मीनिंग क्या है? तो ये बबल्स जो अपने आप में एक नंबर को दर्शाते हैं, जो कि ये बबल कंबाइन होकर 8, 11, 16 एक डेट को प्रदर्शित यानी कि शो करते हैं, और ये वो एग्जैक्ट डेट है जिस दिन 2000 की नोट मार्केट में लॉन्च हुई थी। क्या आपको ये पता था? फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो पृथ्वी को जो रेखा डार्क साइड और ब्राइट साइड में डिवाइड करती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? दरअसल दोस्तों पृथ्वी के सामने सन यानी सूरज है, तो उसका एंगल कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि सूरज का एंगल पृथ्वी के लिए कुछ इस प्रकार होता है कि एक तरफ हमारा अंधेरा होता है और दूसरी तरफ उजाला होता है, और अंधेरे और उजाले के बीच एक आर्टिफिशियल लाइन बन जाती है। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है कि इस रेखा को, इस लाइन को टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। क्या आपको इससे पहले पता था? तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक करके जाना और कमेंट में बता के जाना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा ही है तो इसके साथ में एक मस्त सा है ना फन फैक्ट आपको बताता हूँ। पता, दुनिया में ना सिर्फ 1% लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 2 या 3 काम कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे इसमें कौन सा फन फैक्ट है, और फन फैक्ट ये है कि आप ये सोच रहे हो कि आप 1% में आते हो, यानी कि आपको ये लग रहा है कि मैं उस 1% का हिस्सा हूँ। चीयर्स।